नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पुराने से पुराना घुटनों का दर्द है या फिर कमर का दर्द है या जोड़ों का दर्द है कहीं भी किसी भी जगह पे शरीर में, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पुराने से पुराने घुटनों के दर्द को, कमर के दर्द को, जोड़ों के दर्द को जड़ से ठीक कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज वर्मा और आप देख रहे हैं बिल्कुल देसी इलाज चैनल को। तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो घंटी वाला निशान है उसे भी दबा देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अकौवा का पौधा, यानी कि आक का पौधा, और भी इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अकरकरा, आक, अकौवा, मदार, अलग अलग स्थानों पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों इसी से आज मैं आपको घुटनों के दर्द को ठीक करने का नुस्खा बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ। बिल्कुल ही सेफ़ है और बिल्कुल देसी है और बिल्कुल ही कोई भी इसका खर्चा नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं इस नुस्खे को कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है ये आक का पौधा और ये है इसके पत्ते। दोस्तों इसके पत्तों को आपने तोड़ लेना है जहाँ आपने लगाना है। मान लीजिए अगर घुटनों का दर्द है आपको तो आपने 8 पत्ते तोड़ने हैं, ठीक है। तो 8 पत्तों को तोड़ के आपने क्या करना है, इनके जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पानी लगा हुआ है जो मोम जैसा, तो उसे अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेना है। और क्या करना है कि इनको आपने हल्का गर्म करना है। गर्म करने से पहले पहले आपने एक काम और करना है, जहाँ पे आपको दर्द है ना घुटनों पे, वहाँ आपने क्या करना है कि कैरोसिन का जो तेल होता है उसको अच्छे से लगाना है चारों तरफ घुटने के, ठीक है। जितनी जगह में आपने पत्ता बंधना है ना उतनी जगह में आपने कैरोसिन के तेल को लगाना है। और फिर क्या करना है कि जो पत्ते गर्म करके आपने चारों तरफ बांधना है घुटने के चारों तरफ, यानी कि 4 पत्ते एक घुटने पे लगने चाहिए, आगे पीछे और साइडों में एक एक पत्ता। फिर उसको सूती कपड़े से अच्छे से बांध देना है। दोस्तों जितनी देर तक ये बंधा रहे, यानी कि 2-3-4 घंटे बंधा रहे, उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा। दोस्तों अगर आपको इस नुस्खे को लगातार करते हो ना 15 से 20 दिन, तो आपको 50% से ज़्यादा आराम मिल जाएगा घुटनों में। और अगर आप इस नुस्खे को 3 से 4 महीने तक या 2-3 महीने तक करते हो तो आपका जो घुटनों का पुराने से पुराना घुटनों का दर्द है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर इस